हेलो फ्रेंड्स, द सुभीस किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एकदम मस्त रेसिपी लेके आई हूँ, चावल की बड़ी। जो चावल बच जाता है आपके घर में उसे फेंकिएगा नहीं, उसकी बनाइएगा बड़ी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और इसे तल के खाइएगा, बहुत ही मज़ा आ जाता है खाने में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए, जो आपके घर में चावल बचा है, इस तरह का चावल, रात का चावल या फिर दिन का चावल आपको नहीं खाना है, उसे फेंकिए मत। उसे एक थाली में निकाल लीजिए, उसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लीजिए स्वाद के अनुसार, और जीरा डाल लीजिए और अच्छी तरह से मैश कर लीजिए। इसका एक डो बनाना है। देखिए, चावल थोड़ा सा नरम होना चाहिए, और नरम नहीं है तो हल्का सा पानी छीट छीट के आप इसमें इसका एक डो बना लीजिए। इस तरह से गूंथ लीजिए इसे बहुत ही अच्छी तरह से। हल्का सा तेल का हाथ लगा सकते हैं अगर हाथों में चिपक रहे हैं तो। देखिए, डो बनकर तैयार है। अब एक ठोक सूपा ले लीजिए या फिर परात ले लीजिए। मैंने यहाँ पे सूपा लिया है, अगर आपके पास थाल है तो आप थाल ले सकते हैं। उसमें एक कपड़ा लगाइए, कॉटन का हो या फिर शिफॉन का चलेगा। फिर उसमें छोटी छोटी बड़ियाँ बनाकर रखते जाइए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बड़ी बना देंगे हम, और इसे आप धूप में 3 से 4 दिन अच्छी कड़क धूप में सुखाते जाइए और शाम को निकाल दीजिएगा। रात भर नहीं रखिएगा धूप में, पंखे में रात में सुखा दीजिएगा, और सुबह से फिर धूप में देखिए इस तरह से सूख के निकल आती हैं। फिर इसे मस्त तेल गरम कीजिए और उसमें फ्राई कीजिए, और फिर से दाल चावल के साथ खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा चावल की बड़ी। बहुत ही सिंपल है और वेस्ट भी नहीं होता चावल, और खाने में भी मस्त क्रंची लगती है, कुरमुरी एकदम। प्लीज़ जिसने भी ये रेसिपी को नहीं बनाया, एक बार ज़रूर बना के देखिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।